एल्विश यादव मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एल्विश यादव को लेकर कहा जा रहा था कि 3 घंटे तक उनसे लगातार पूछताछ की गई और उन्होंने सारे राज खोल दिए हैं। आपको बता दें कि 3 घंटे की पूछताछ नहीं हुई थी, 30 मिनट की पूछताछ हुई थी, जिसमें उनसे कुछ गिने चुने सवाल किए गए थे जो काफी महत्वपूर्ण थे। आपको बता दें कि अब बड़ी अपडेट ये आ रही है कि पुलिस अब एक बार फिर से एल्विश यादव से पूछताछ कर सकती है, जिसमें राहुल यादव की और एल्विश यादव की आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में मेनका गांधी ने पहले दिन ही काफी बड़ा बवाल मचाया था और कहा था कि एल्विश यादव जैसे लोग इस तरीके के घिनौने काम करते हैं, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने की साजिश करते हैं। लेकिन अब हाल फिलहाल में मेनका गांधी ने खुद इन सवालों पर जवाब देने से इनकार कर दिया और चुप्पी साध ली है। बात की जाए बाकी लोगों की जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो उन्हें 2 दिनों के रिमांड पर लिया गया है और फिलहाल उनसे सवालों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर पुलिस के पास एविडेंस की कमी है, क्योंकि एक ऑडियो क्लिप मिला था जिसमें एल्विश यादव को लेकर बात भी नहीं हो रही थी, जिसमें सिर्फ उनकी पार्टी को लेकर बात हो रही थी। इस मामले में ये साफ था कि एल्विश यादव की एक तस्वीर थी जिसमें वो सांप के साथ खेल रहे थे और एक लड़की थी, जो कि एक बैंकॉक में उनके गाने की शूट हुई थी और उस शूटिंग में सांप का इस्तेमाल परमिशन के बाद ही किया गया था। लेकिन फिलहाल उस तस्वीर को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि देखो किस तरीके से सांप और लड़कियों के साथ खेल रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे बताइए हमें कमेंट सेशन के माध्यम से, और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।